prove that the power supplied by the resultant force to a particle will be equal to dk by dt, where k is the kinetic energy of the particle. तो आपसे पूछेगा which of the following option is correct. तो पूछेगा फिर एक statement लिखा होगा क्या ये सही है क्या force resultant force की जो power supplied होगी किसी भी particle को that will be equal to rate of change of kinetic energy of the particle. ठीक है तो फिर आपसे उसमें पढ़ जाओगे कि सही है या गलत है. ठीक है तो ये सही है स्टेटमेंट क्योंकि यहाँ तो प्रूफ करने को दे रखा. ठीक है तो वही वर्क एनर्जी थ्योरम से देख सकते हैं हम इसको और कहाँ से देखें तो उनको पता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स ये सब देख चुके हैं अपन वर्क में ऑलरेडी जब काइनेटिक एनर्जी थ्योरम शुरू किया था अपन ने. ये काइनेटिक एनर्जी थ्योरम है फिर मैंने ये भी बताया था एक पार्टिकल के लिए जो आपका सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा वो वही होगा सारे फोर्सेस का वर्क निकाल के अलग निकालो या फिर आप एक पूरे रिजल्टेंट फोर्स का वर्क लिख दो सेम चीज आती है. ठीक है बात हुई थी अपनी हरियन ध्यान है क्या आपको ऐसा कुछ बताया था मैंने. यस सर वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी के. ठीक है ना अगर सारे फोर्सेस का वर्क है डी के तो आप कह दो या तो फिर वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स डी डब्ल्यू इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दोनों तरफ डी टी से डिवाइड कर दो आप. ठीक है तो पावर सप्लाइड बाई द ये क्या हो गया ये तो वर्क है ना रिजल्टेंट फोर्स का तो अब इसका डिफरेंशिएट क्या होगा पावर सप्लाइड बाई द रिजल्टेंट फोर्स बनेगी कि नहीं बनेगी किसके बराबर आ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही है. ठीक है स्टेटमेंट भी ठीक है अगर आपको काइनेटिक एनर्जी थ्योरम ध्यान है तो आप चेक कर सकते हैं कि पावर सप्लाइड बाय द रिजल्टेंट फोर्स तो आपको बताया रिजल्टेंट फोर्स का वर्क डन पार्टिकल पर किसके बराबर होगा उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा तो दोनों तरफ डी टी से डिवाइड कर दो डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या बन गया आपको पावर सप्लाइड बाई द रिजल्टेंट फोर्स बन गया ये हो गया डी के बाई. ठीक है तो ध्यान रखेंगे छोटा सा स्टेटमेंट है कभी आ सकता है कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को. हाँ ये सही कह रहा था एकदम वर्क एनर्जी थ्योरम से ही सॉल्व किया हार्दिक उसको.